नारद जी बोले, भगवान नित्यलोक में अपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों में उत्पन्न सभी लोग बहुत प्रकार के क्लेशों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, किस लघु उपाय से उनके कष्टों का निवारण हो सकेगा? यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा हो तो वह सब मैं सुनना चाहता हूँ, उसे बताएं। श्री भगवान ने कहा, हे वत्स, संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से आपने बहुत अच्छी उत्तम बात की है। जिस व्रत के करने से पुरानी मोह से मुक्त हो जाता है उसे आपको बताता हूँ। स्वर्ग और मृत लोक में दुर्लभ भगवान सत्यनारायण का एक महान पुण्य व्रत है। आपके स्नेह के कारण इस समय मैं उसे कह रहा हूँ। अच्छी प्रकार विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का व्रत करके मनुष्य शीघ्र ही सुख प्राप्त कर लोक में मोक्ष प्राप्त कर सकता है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर नारद मुनि ने कहा, नारद जी बोले, प्रभो, इस व्रत को करने का फल क्या है? इसका विधान क्या है? इस व्रत को किसने किया और कब इसे करना चाहिए, यह सब विस्तार पूर्वक बतलाइए। श्री भगवान ने कहा, यह सत्यनारायण व्रत दुख शोक आदि का शमन करने वाला, धन धान की वृद्धि करने वाला, सौभाग्य और संतान देने वाला तथा सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है। जिस किसी भी भक्ति और श्रद्धा से सम्मिलित होकर मनुष्य ब्राह्मणों और बंधु बांधवों के साथ धर्म में तत्पर होकर सायंकाल भगवान सत्यनारायण का पूजा करे, नैवेद्य के रूप में उत्तम कोट के भोजनीय पदार्थ को सवाया मात्रा में भक्ति पूर्वक अर्पित करना चाहिए। केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण अथवा गेहूं के चूर्ण के अभाव में साथी चावल का चूर्ण, शक्कर या गुड़, यह सब भक्ति सामग्री सवाया मात्रा में एकत्र कर निवेदित करनी चाहिए। बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनकर ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए। तदनंतर बंधु बांधवों के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। भक्तिपूर्वक प्रसाद ग्रहण करके नित्य गीत आदि का आयोजन करना चाहिए। तदनंतर भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने घर जाना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्यों की अभिलाषा अवश्य ही पूर्ण होती है। विशेष रूप से कलयुग में पृथ्वी लोक में यह सबसे छोटा सा उपाय है। इस कलदे पुराणे वेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथमो अध्याय।